हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो उपटन फेस मास्क के बीच में कंपैरिजन वीडियो। पहला है ममाअर्थ का उपटन फेस मास्क और दूसरा है वाओ स्किन साइंस का उपटन फेस एंड बॉडी पैक। तो आज की वीडियो में मैं इन दोनों का कंपैरिजन आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि कैसे हैं ये प्रोडक्ट या इनमें से कौन सा उपटन पैक है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा या कौन सा अच्छा है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहली बात यह है कि इन दोनों ही प्रोडक्ट पे मैंने डिटेल वीडियोस भी शेयर किए हैं, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं, आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने इन दोनों प्रोडक्ट को बाय किया है और यूज़ किया है, तो आज के वीडियो में मैं जो कंपैरिजन आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही ये कंपैरिजन शेयर कर रही हूँ कि किस पैक ने मेरे लिए कैसा वर्क किया है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो पहले बात करते हैं इन प्रोडक्ट के प्राइस और इनकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक टब पैक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी डिटेल्स पैकेजिंग पे मेंशन है, आप चाहें तो उन्हें चेक कर सकते हैं। इन दोनों ही फेस पैक का जो प्राइस है वो है 499 रुपीज़। ममाअर्थ में आपको 100 ml की प्रोडक्ट क्वान्टिटी मिलती है, जबकि वाओ स्किन साइंस में आपको 200 ml की प्रोडक्ट क्वान्टिटी मिलती है। ये दोनों ही प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल हैं, तो आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इन्हें ईजिली यूज़ कर सकती हैं। अगर आप इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को ध्यान से चेक करें तो दोनों के इंग्रेडिएंट जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं, दो चार इंग्रेडिएंट इधर उधर हैं, नहीं तो दोनों के इंग्रेडिएंट जो हैं वो सेम हैं। बात कर लेते हैं इनके मेन इंग्रेडिएंट की। तो ममाअर्थ का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सैफ्रॉन, टर्मरिक और एप्रिकॉट ऑयल, जबकि वाओ स्किन साइंस का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चिकपी फ्लोर, माने कि बेसन, टर्मरिक, सैफ्रॉन, आलमंड एक्सट्रैक्ट, रोज वाटर एंड सैंडलवुड ऑयल। तो ये है इसका मेन इंग्रेडिएंट और ये है इसका मेन इंग्रेडिएंट। अब बात कर लेते हैं इन्हें यूज़ करने की। तो दोनों ही फेस पैक को यूज़ करने का जो तरीका है वो सेम है, बट ममाअर्थ का जो फेस मास्क है ये सिर्फ और सिर्फ फेस के लिए है, जबकि वाओ का जो फेस मास्क है या जो मास्क है ये फेस एंड बॉडी दोनों के लिए है, जो कि एक प्लस पॉइंट वाओ स्किन को मिलता है कि अगर आप एक कोई पैक बाय करते हैं तो आप उसे अपने फेस एंड बॉडी दोनों के लिए ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके क्लेम की। तो इनके जो क्लेम है वो बहुत सारे हैं। अगर मैं वाओ के क्लेम की बात करूं तो ये क्लेम करता है कि ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है, साथ ही साथ आपकी पोर्स को मिनिमाइज करता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है, डलनेस रिमूव करता है, साथ ही साथ अगर आपकी स्किन पे कोई डैमेज है तो उसे भी ठीक करता है और आपकी स्किन को क्लीन करके एक हल्की सी शीन देता है, मतलब कि आपकी स्किन को ग्लोई बनाता है। वहीं पे अगर मैं ममाअर्थ के क्लेम की बात करूँ तो इनके क्लेम काफ़ी सारे हैं। ये एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है। तो अगर मैं इनके क्लेम की बात करूं तो पहली बात ये है एंटी एजिंग, जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती, और स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने की बात तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि कोई भी फेस पैक मैंने इन दोनों को यूज़ किया तो ये आपकी स्किन टोन को लाइट नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपके फेस पे बॉडी पे टैन है तो टैन को रिमूव करते हैं, आपकी स्किन डल हो गई है तो इसे रिमूव करते हैं, लेकिन आपकी स्किन टोन को लाइट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं हैं। बात कर लेते हैं हार्मफुल केमिकल की। तो दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं वो सभी हार्मफुल केमिकल से फ्री हैं, जैसे कि पैराबेन, सिलिकॉन, दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं वो क्रुएल्टी फ्री हैं, साथ ही साथ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, तो आप इन्हें इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि इन दोनों के क्लेम जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं, साथ ही साथ इंग्रेडिएंट लिस्ट भी सेम है, पैकेजिंग सेम है, प्राइस सेम है, सिर्फ प्रोडक्ट क्वांटिटी में थोड़ा सा फ़र्क है। अब बात कर लेते हैं इनके इनर प्रोडक्ट की। तो मैं आपको इनका इनर प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। मैंने पहले ही आपसे कहा था, एक वीडियो में शेयर किया था, शायद आपको याद हो, कि मैंने ममाअर्थ का जो
पैक है उसे सिर्फ 2-3 बार ही यूज किया, ओपन हो जा, 2-3 बार ही यूज किया है। ये देखिए इसकी क्वांटिटी देख के आपको पता चल गया होगा कि मैंने इस फेस मास्क को कितना यूज किया है, क्योंकि मेरे साथ मुझे ये उतना सूटेबल नहीं हुआ इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया। इनर प्रोडक्ट आपने देख लिया, बात कर लेते हैं इसकी स्मेल की। तो जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं पैक को, इसमें से बेसन की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, साथ ही साथ जैसे हम घर पे बेसन का उपटन बनाते हैं तो उसमें हम हल्का सा मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल भी डालते हैं, जिससे कि वो उपटन जो है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो जैसे हम घर पे बनाते हैं तो उसमें स्मेल आती है, एग्जैक्ट वैसी ही स्मेल इसमें भी है। पता ही नहीं चलता है कि ये मार्केट का है, इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हैं। बात कर लेते हैं वाव के, तो इसे देख के आपको पता चल गया होगा कि मैंने इसे कितना यूज़ किया। मैं इसे यूज़ करती हूँ हाँ, और इसकी स्मेल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें रोज़ वाटर और सैंडलवुड ऑयल, इन दोनों की स्मेल सबसे ज़्यादा है। हाँ इसमें बेसन की स्मेल है लेकिन इतनी लाइट है कि शायद आपको सबसे लास्ट में पता चले कि हाँ इसमें बेसन भी है। इसमें टर्मरिक सॉरी रोज़ वाटर और सैंडलवुड ऑयल, इन दोनों की ही स्मेल सबसे ज़्यादा अच्छी है। जैसे हम चंदन पाउडर का कोई फेस पैक बनाते हैं तो उसमें स्मेल आती है, एग्जैक्ट वैसी ही स्मेल इसमें आती है। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से मुझे कौन सा फेस मास्क ज़्यादा अच्छा लगा। मैं ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे इन दोनों का कंपैरिजन शेयर करना था। दोनों ही ब्रांड जो हैं काफ़ी ट्रेंडिंग हैं और इन दोनों की ही फेस मास्क ऑलमोस्ट सेम ही है। आप में से बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि वाव का उपटन मास्क ज़्यादा अच्छा है या फिर ममार्थ का। यहाँ पे मैं क्लियरली आपके साथ वीडियो की स्टार्टिंग में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं वीडियो में वो शेयर करने वाली हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। ममार्थ का फेस मास्क मैंने जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तब भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इसे यूज़ करने के बाद मेरे फेस पे पिंपल्स निकल आए थे, दाने निकल आए थे, जबकि वाव के साथ मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी थी। मैंने इसके रिव्यू वीडियो में भी यही बात शेयर की थी कि जब भी मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ तो पिंपल्स निकल आते हैं, जिसकी वजह से मैंने इसे यूज़ नहीं किया, जबकि इसे बाय किए हुए काफ़ी टाइम हो गया। अगर मैं यूज़ करती तो ये फेस मास्क जो है वो अब तक फिनिश होने वाला होता या हो चुका होता। तो मैं अगर फाइनल वर्ड की बात करूं कि मुझे इन दोनों में से कौन सा फेस मास्क पसंद है, तो मुझे वाव का फेस मास्क ज़्यादा पसंद आया। पहली बात तो ये है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, दूसरी बात ये है कि 499 में आपको 200 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है, तीसरी बात यह है कि आप इसे अपने फेस के साथ साथ बॉडी के लिए भी ईजिली यूज़ कर सकती हैं और ये आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये था मेरा रिव्यू। अब एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी, आप इसे डिस्क्लेमर भी समझ सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद हो तो आप ये मत सोचिएगा कि मुझे ये प्रोडक्ट क्यों नहीं पसंद आया, क्योंकि मैंने पहले ही शेयर कर रखा है कि बेसन जो है वो मेरी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब भी मैं बेसन यूज़ करती हूँ तो मेरे फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं, और क्योंकि इस फेस मास्क में बेसन जो है वो बहुत है, उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है, यूज़ करने में भी ऐसा लगता है कि मैं बेसन ही अप्लाई कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ये अच्छा नहीं था तो मुझे ये नहीं पसंद आया। और वाव का जो है इसका वर्क मेरे लिए अच्छा है, इसलिए मैंने इस कंपैरिजन में इसे बाय करने के लिए आपको रिकमेंड किया। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, आप किसी भी ब्रांड का फेस मास्क यूज़ कर सकती हैं, बाय कर सकती हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन टाइप मेरी तरह है, सेंसिटिव है थोड़ी सी और ऑयली स्किन भी है, तो आप वाव के साथ जाएं ना कि ममार्थ के साथ। बाकी आप फाइनल डिसीजन जो है वो आप ही का होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किए दो उपटन मास्क के बीच में कंपैरिजन वीडियो। पहला था ममार्थ, दूसरा वाव स्किन साइंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने इनमें से कोई सा भी फेस पैक यूज़ किया हो तो क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे भी जानना है कि इनमें से कौन सा फेस मास्क आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप मेरे सभी वीडियोस देख सकें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।